हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई पास आउट और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जहाँ दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भुवनेश्वर की ओर से, जिसमें आईटीआई पास आउट कैंडिडेट और जो डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स कैंडिडेट है उनके लिए असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें कैंडिडेट के पास एनएससी आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है या कैंडिडेट के पास डिप्लोमा बीटेक की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पे आईटीआई के टोटल 16 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो जो कैंडिडेट इसके साथ ही जो डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स है उनके 19 डिसिप्लिन के लिए वहां पे वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके नोटिफिकेशन पे और जानेंगे सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन दोस्तों, अभी इसका डिटेल नोटिफिकेशन आउट नहीं है, अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें वैकेंसीज की संख्या के बारे में जानकारी दी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बताई गई है, एज लिमिट बताई गई है। तो दोस्तों, चलते हैं इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शंस और डिटेल्स इसमें आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिसपे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूँ। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिसपे हम लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। यह नोटिफिकेशन ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भुवनेश्वर की ओर से जारी किया गया। यहाँ पे इसके नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर अंडर डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ओडिशा कटक के द्वारा यह जारी किया गया। यहाँ पे वैकेंसीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पे स्केल की अपन बात करें तो सबसे पहले पोस्ट का नाम दिया हुआ है असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर। इसमें वैकेंसीज की बात करें तो फॉर एनटीसी एनएससी होल्डर्स के लिए 125 वैकेंसी निकाली गई है और डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स के लिए भी 125 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 250 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट उसके बाद एनटीसी यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या आईटी पास आउट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जिस ट्रेड से वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेगा उसके अंदर। इसके साथ ही जो डिप्लोमा होल्डर्स है उन कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा या बीटेक की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, रिकॉग्नाइज काउंसिल बॉडी या स्टेट, जो स्टेचुरी यूनिवर्सिटी है जो रिलेवेंट इंजीनियरिंग ब्रांच है उसके अंतर्गत ग्रुप और पे स्केल की अपन बात करें तो ग्रुप बी में लेवल 9 में यहाँ पे अपॉइंट है किया जाएगा, जो कि ORSP रूल्स 2017 के अकॉर्डिंग यहाँ पे किया गया। अब जो यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है जो ATO के लिए यानी असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की, वो पास्ट होना जरूरी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS या सर्टिफाइड एज ए ट्रेंड इंस्ट्रक्टर अंडर द एजिज ऑफ NCVT न्यू दिल्ली। ये डिजायरेबल यहाँ पे रखी गई है। फिर ट्रेड वाइज वैकेंसीज की पोजिशन और क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर। सबसे पहले NTC और NAC होल्डर्स की बात करें तो यहाँ पे कोपा के लिए कैंडिडेट के पास NTC NAC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है कोपा ट्रेड में, इसकी एक वैकेंसी। ड्रेस मेकिंग की बात करें तो इसमें ड्रेस मेकिंग ट्रेड में सर्टिफिकेट होना जरूरी है एक वैकेंसी। इलेक्ट्रीशियन में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके यहाँ पे 46 वैकेंसी निकाली गई। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की 3 वैकेंसी है। जो रिलेवेंट जो फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है, उस जो पोस्ट दी हुई है उसी में कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है ITI या NTC NAC का। उसके बाद में फिटर की बात करें तो 49 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस की बात करें तो 1 पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 1 वैकेंसी है, मशीनिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है, मैकेनिक डीजल के लिए भी यहाँ पे 1 वैकेंसी निकाली गई। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन के लिए 3 वैकेंसी है, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 3 वैकेंसी है, पेंटर जनरल के लिए 1 वैकेंसी है, प्लम्बर के लिए 2 वैकेंसी है, टर्नर के लिए 3 वैकेंसी है, वेल्डर के लिए 5 वैकेंसी है, वायरमैन के लिए 4 वैकेंसी। इस प्रकार से टोटल 125 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें वुमन के लिए 43 पदों को रिजर्व रखा गया है। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 5 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन के लिए 4 वैकेंसी है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए 1 वैकेंसी निकाली गई। अब जो ट्रेड वाइज वैकेंसीज की पोजीशन और क्वालिफिकेशन की बात करें डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, तो कोपा की बात करें तो कैंडिडेट है उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, UGC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में।
या कैंडिडेट के पास 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है कंप्यूटर साइंस या आईटी के अंदर एआईसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। इसकी एक वैकेंसी है। डॉट्समैन मैकेनिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री होनी जरूरी है, एक वैकेंसी। इलेक्ट्रीशियन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी है, 4 वैकेंसी है। इंजीनियरिंग ड्रॉइंग में एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है वो इसमें चलेगा, 45 वैकेंसी इसकी निकाली गई। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी है, 2 वैकेंसी है। आईसीटीएसएम की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी है, 1 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की 1 वैकेंसी निकाली गई। मशीनिस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री डिप्लोमा 5 वैकेंसी है। मैकेनिक डीजल में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमोबाइल में डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी है, 1 वैकेंसी है। मैकेनिक मेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी है, इसकी 1 वैकेंसी है। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है, 3 वैकेंसी है। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 1 वैकेंसी है। फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी है, 3 वैकेंसी है। प्लम्बर में सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी है, 1 वैकेंसी है। टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग में बीटेक है होने जरूरी है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी बीटेक है या टेक्सटाइल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी डिप्लोमा इन टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, 1 वैकेंसी है। टर्नर है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इसमें डिसिप्लिन होना जरूरी है, 4 वैकेंसी है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है तो एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इसमें चलेगा, इसमें 42 वैकेंसी निकाली गई। वेल्डर के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, 4 वैकेंसी है। वायरमैन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 4 वैकेंसी निकाली गई। इस प्रकार से टोटल 125 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें वुमेन्स के लिए भी यहाँ पे 39 पोस्ट है वो रिजर्व की गई है। अब इसमें फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन के लिए 5, एक्स सर्विसमैन के लिए 4, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 2 सीट यहाँ पे रिजर्व है रखी गई। अब एज लिमिट की बात करें सभी पोस्ट के लिए तो कैंडिडेट उसकी मिनिमम एज 21 वर्ष होनी जरूरी है, मैक्सिमम एज अवार्ड 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1/1/2024 के अकॉर्डिंग इसमें SC ST OBC SC BC वुमेन फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को जो रूल्स हैं अभी अप्लीकेबल उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को यहाँ पे छूट दी जाएगी। अब यहाँ पे नोट दिया हुआ तो एडवर्टाइजमेंट वो अभी नेचुरल और प्रोविजनल है का जो नेचर अभी इंडिकेटिव और प्रोविजनल है, इसके संबंध में अभी जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आउट किया जाए, जिसमें आपको सिलेबस जो प्लान पैटर्न एग्जामिनेशन अदर डिटेल्स है वेटेज है CITS जिन्होंने कर रखा है तो उन कैंडिडेट्स को क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएगी, यहाँ पे उनको वेटेज दिया जाएगा या नहीं जाएगा, इसके सारी सूचना आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट में मिलेगा जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया जाएगा। और इसी के साथ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो सूचना है वो भी इसके डिटेल नोटिफिकेशन में पब्लिश की जाएगी जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.osc.gov.in के ऊपर देखने को मिलेगी और कैंडिडेट है वो लगातार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का विजिट करते रहे। दोस्तों इसका जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आउट होगा तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो जिन के पास में यहाँ पे क्वालिफिकेशंस है इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा की या ITI या NSC की तो उन कैंडिडेट्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस वो कैंडिडेट से नहीं मांगा गया। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। अदर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।